बड़ा। तो अभी फिलहाल रात को शादी था मैडम के यहाँ, फाइनली भाई शादी निपट गई और रात को आया 2-2.5 बजे, तो मैं सो गया था फिर, तो अभी जगा हूँ क्योंकि वो ड्राइवर सो रहा रूम में, तो वहाँ वीडियो नहीं शूट करता क्योंकि उसको ओ बहुत डिस्टर्ब बहुत। होता है, और दिन में भी ज़्यादा सोता है, रात में भी ज़्यादा सोता है। तो फिलहाल अभी मैं चलता हूँ नाश्ता करने के लिए क्योंकि अभी भूख बहुत तेज़ लगा है, और रात को बस खाना खाया था 7-8 बजे, तब से अभी नहीं खाया हूँ, 2 बजे जागना होता है तब भी भूख लग जाता है। तो चलते हैं फटाफट होटल पर, कहीं मिलता है तो चलते हैं नाश्ता वास्ता करके आते हैं। तो भाई यहाँ जब से आया हूँ तो यहाँ जब से आया हूँ जब से मतलब कोई रूटीन नहीं है खाना खाने का, ना ड्यूटी जाने का और ना वीडियो शूट करने का, तो यहाँ का सब सिस्टम हिल गया है क्योंकि अकेले रहो वहाँ घर पे रहो रियाद में तो उसका रूटीन बना होता है, लेकिन यहाँ आ जाते हैं ना तो कोई टाइम नहीं होता किस तरह खाना खाना है क्या करना है, और कभी भी ड्यूटी और कभी भी कहीं भी जाना पड़ता है क्योंकि उसी घर में हम रहते हैं जहाँ पर मैडम रहती है, तो इनको बस तुरंत बुलाना होता है, तुरंत फ़ोन करेंगे तुरंत बाहर निकलना पड़ता है। तो वहाँ तो रहता है आधा घंटा 10 मिनट लेट जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई फिलहाल यहाँ 1-2 दिन और काम करना है, बस आप लोगों की दुआ रहेगा तो बहुत जल्दी इंडिया में मिलेंगे। और फिलहाल अभी चलते हैं नाश्ता करते हैं, आज देखता हूँ कहाँ कहाँ जाएंगे क्योंकि रात में जो शादी थी वो तो निपट गई है, लेकिन आज जो पार्टी होगा उसका जो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, जो पार्टी के दिन ज़्यादा इनका मतलब घूमना होता है, तो देखता हूँ आज कहाँ कहाँ जाएंगे किस तरह में जाएंगे क्योंकि इधर होटल उस तरह नहीं है, जो भी हैं मतलब इस तरह हैं तो रात को पार्टी वाल्टी देंगे क्योंकि शादी तो कल निपट गई है। तो आज अगर जाएंगे, आज जाएंगे रियाद तो आज जाएंगे, नहीं तो कल मैं सुबह ही बोल दूंगा, मैं सुबह ही निकल जाऊंगा यहाँ से क्योंकि भाई मुझे सामान वामान लेना है, जाके शॉपिंग करना थोड़ा बहुत, और अभी इनको कोई पता नहीं है कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब अभी दोपहर बीतेगा 2-3 बजे तब इनको मैं फ़ोन करूंगा कि मैडम क्या बात है, रियाद चलना है कि नहीं चलना है, नहीं चलना है तो मुझे पैसा दो, मेरा पासपोर्ट दो, टिकट दो, जो भी है मैं जा रहा हूं, अभी बहुत दिन हो गया आपकी शादी का निपट गया है, आपकी शादी हो गई तो अभी मैं नहीं रुकूंगा क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है घर जाना। तो फिलहाल दोस्तों चलते हैं, पहले नाश्ता वास्ता करके आते हैं, देखता हूँ नाश्ता वास्ता सुबह मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्योंकि 8 बज गया है अभी फिलहाल, अभी 8 नहीं बजा है 7:30 बजे हैं, तो आज भूख बहुत तेज लगा, तो चलते हैं दोस्तों फटाफट नाश्ता करके आते हैं। कुछ है कि नहीं है परोठा उठा, भाई अभी परोठा डर कर दिया हूँ, परोठा चना आता है फिर खावा चलते हैं दोस्तों। तो भाई अभी मेरा नाश्ता वास्ता हो गया और दोपहर तक अब कुछ नहीं खाना, जान लो 3 परोठा एक सब्जी 5 रियाल कर देता है इधर, और इधर थोड़ा महंगा होता है और परोठा इधर का जो होता मोटा होता है इसलिए थोड़ा महंगा है, और रियाद में यही 3.5 रियाल का काम हो जाता है, इधर 1.5 रियाल ज़्यादा लगा है तो कोई मुश्किल नहीं है, पेट तो भर जाता है इधर खाने में। तो अभी फिलहाल मैं चलता हूँ रूम पे और देखता हूँ क्या बनाएंगे क्या नहीं, दोपहर के बाद ही डिसाइड होगा, उसके पहले कि मैडम का फ़ोन वोन आएगा कहीं जाना वाना होगा तो हम ज़रूर आपको बताएंगे कि कहाँ गया कहाँ, तो चलते हैं ड्यूटी का इंतजार करेंगे, अभी तो सब सोए होंगे, आज जुम्मा है 12 बजे के बाद ही ड्यूटी लगेगा, और जुम्मे के दिन ये लोग 12 बजे 11 बजे तक मतलब कोई ड्यूटी नहीं लगाते, अगर कोई इमरजेंसी कोई काम पड़ जाए तो उसको जाना पड़ता है, नहीं तो आराम से लेटे रहो जो मर्जी करो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी फिलहाल मैं चलता हूँ रूम पे फटाफट। तो भाई लोग अभी मेरा फ़ोन आ गया है और मेरे यहाँ 5 बजने वाले हैं लगभग, तो दोस्तों अभी चलते हैं ड्यूटी, इससे पहले हम आपको दिखाते हूँ कि यहाँ गांव में कैसा रूम है और रूम किस तरह मिला है, और यहाँ 2 ड्राइवर रहते हैं, अभी हम आपको दिखाता हूँ रूम कितना बेहतरीन है यहाँ का, और भाई जैसे रहते हैं उसी तरह हम लोग दिखाते हैं, ऐसा नहीं कि झाड़ू पोछा लगा के सब VIP करके ही दिखाऊँगा। तो चलो रेडी हो जाओ मेरा रूम देखने के लिए, तो अभी ये है एंट्री भाई, और ये इधर बाहर का कुछ व्यू है ऐसे, और इधर बाथरूम है नहाने धोने के लिए, और ये भी सही है सब कुछ अच्छा है, सारा कुछ बाथरूम VIP है सब कुछ अच्छा है, और इधर का जो है ये रूम है और काफ़ी शानदार है, अभी देख सकते हो उधर वो दूसरा टेबल लेटता है और मैं इधर जब आता हूँ तो मैं इधर अपना बिछा लेता हूँ, इधर ही लेटता हूँ, और सारा कुछ ऐसे बिखरा होता है, TV भी सब कुछ है, फ्रिज है और AC है उधर लगा है, इधर पानी पीने वाला रखा हुआ ठंडा गर्म पानी के लिए, और इधर सब कुछ रखा हुआ जो भी एडजस्ट करना होता है सारा कुछ होता है।
तो भाई यहाँ का थोड़ा रूम बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ 10 का नहीं है और काफ़ी बड़ा रूम है, छोटा मोटा रूम नहीं है। तो यहाँ जो ड्राइवर रहता है उसके लिए तो बल्ले बल्ले है, लेकिन एक चीज़ का दिक्कत होता है कि ये रूम अंदर है, मतलब किसी यार दोस्त को बाहर अंदर नहीं ला जा सकते, क्योंकि कोई देखेगा तो बोलेगा कि दूसरा मतलब आदमी इधर नहीं लेके आना है। तो ये थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि जब रूम गेट के बाहर रहता है तो कोई भी यार दोस्त कहीं से भी आए तो उसको बैठाओ, चाहे पानी साथ में गप चढ़ा के मारो, कहीं भी जाओ, लेकिन जब रूम के अंदर होता है, घर के अंदर होता है रूम, तब थोड़ा प्रॉब्लम होता है। यार कि रूम में बहुत अच्छा है, और एक चीज़ है यहाँ का खासियत, हम लोग जो अंदर रहते हैं तो थोड़ा सा मतलब अजीब सा महसूस होता है कि कोई अंदर आ ना जाए, कोई टहले बाहर आ ना जाए, इसलिए हमें ये गेट हमेशा बंद करना पड़ता है, क्योंकि जब लेटना हो, खाना खाना हो, कुछ भी करना हो तो दरवाज़ा बंद करना पड़ता है। और किसी किसी घर में तो एकदम मतलब घर में एकदम सटा ही होता है जो अंदर रूम होता है, ना किसी यार दोस्त को ले जा सकते हैं अंदर, ना आप कहीं मतलब बार बार जा सकते हो, तो ये सबसे दिक्कत होता है जो घर के अंदर रूम होता है। लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ इतना मैदान है, और ये पीछे पीछे घर है, पीछे वो लोग रहते हैं, इधर मतलब नहीं आते, पहले आते थे लेकिन अभी बिल्कुल नहीं आते। और इस रूम में जैसे हम लोग रहते हैं उसी तरह सब कुछ बिखरा पड़ा रहता है। तो भाई यह है, टाइम पास होता है, ऐसे लाइफ बिताना पड़ता है एक एक दिन ड्राइवर को। तो अभी फिलहाल ड्यूटी आ गई है, चलते हैं ड्यूटी, और फटाफट देखता हूँ मैडम कहाँ जाएंगे, तो पानी वानी पी लेते हैं दोस्तों, तब चलते हैं। पीछे मेरी गाड़ी खड़ी है, इधर कोई दिक्कत नहीं है चोरी वोरी का। तो इधर इतना अच्छा लगता है, रात के समय ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि दिन में थोड़ा सा गर्मी आ गया, तो अभी गर्मी के समय में बर्दाश्त नहीं होता इधर गर्मी, लेकिन गर्मी के समय में इधर बराबर पानी दिया जाता है इन पौधों को। और ये देख सकते हो अपने यहाँ का जो वो है, हल्दी है, ये हल्दी है, और काफ़ी अच्छा फूल निकल रहा है, और बहुत सारा लंबा वहाँ तक बनाया है, इतना खूबसूरत नज़ारा है कि अच्छा कितना लग रहा है। तो भाई लोग अभी मैं रूम पे आ गया और मैडम से बात भी हो गया, और मैडम बोली सुबह 6 बजे निकलना है यहाँ से रियाद के लिए, अपना जो भी सामान जो भी होगा सब अपना ध्यान से रख लेना, क्योंकि आपको छुट्टी भी घर जाना है, तो ऐसा ना हो इधर कहाँ सामान भूल जाओ दोबारा के लिए, तो ऐसा नहीं करना, सब पैक वैक कर लेना, जो भी सामान होगा आपका, ब्रश जो भी कपड़ा लस्ता होगा सब इकट्ठा कर लेना, क्योंकि सुबह 6 बजे फ़ोन करूँगी, नहीं तो 5 बजे फ़ोन करूँगी, तो उसी वक्त तुरंत निकल जाएंगे, नाश्ता वास्ता रास्ते में कर लेंगे, तो कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं कहा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो भी करना होगा कर लेंगे सुबह सुबह फटाफट। तो चलो दोस्तों, आज का ब्लॉग बस इतना रहेगा, तो दोस्तों हमारे चैनल पर जो फर्स्ट बार होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन घंटी प्रेस कर देना, और लाइक कर देना दोस्तों, साथ साथ में कमेंट भी करना आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ओके बाय, चलते हैं भाई।